ओके यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी जिसका बैचलर है, जो जिस टाइम में इस वीडियो को देख रहे हो, उसके हिसाब से होप सो तुम लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं बता दूँ, मैं भी बिल्कुल अच्छे हूँ। मेरा नाम देवदत्त स्वाई, तुम मुझे देवसर बोल सकते हो। मैं तुम्हें कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा, तो ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कॉस्टिंग तुम्हारे जो सीएमए कैरियर है या सीए कैरियर हुआ, कॉस्टिंग पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? जो लोग सीए करते हैं वो लोग का अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन लोगों को अकाउंट्स के एरिया में आगे जाना है। लेकिन जो लोग सीएमए करते हैं तो उन लोगों का कोर पेपर होता है कॉस्टिंग। लेकिन चाहे वो सीए हो या सीए में हो, ये दोनों कोर्स में अकाउंटिंग सबसे डिफिकल्ट होता है। मेरे बात समझ में आ रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स का, मतलब सीए स्टूडेंट्स का या सीए कोर्सेज के लिए कोर पेपर होता है अकाउंट्स, सीए में स्टूडेंट्स के लिए कोर पेपर होता है कॉस्टिंग। लेकिन ये दोनों कोर्सेज के लिए अकाउंटिंग टॉप होता है, फिर भी कॉस्टिंग थोड़ा सा इजी रहता है। तो चलो, तुम लोग मेरे ऊपर भरोसे किए, तो जैसे कि मैं वादा कर चुका हूं कि तुम्हें मैं कॉस्टिंग का क्लासेस दूंगा, तो डेफिनेटली तुम डीएस वर्चुअल आपसे मतलब डीएस वर्चुअल आप तुम्हें कॉस्टिंग का कोर्सेस मतलब कॉस्टिंग का पूरा क्लासेस दे देगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कहीं दूसरे टीचर के पास कोचिंग भी नहीं जाना है। अगर तुम डीएस वर्चुअल से कस्टिंग का क्लास कर रहे हो तो तुम्हें दूसरे टीचर के पास कोचिंग नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस हम एकदम बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा। पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग पूरी मतलब क्वालिटी के साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो, ये जो तुम आज डीएस वर्चुअल फैमिली का मेंबर बन गए, डीएस वर्चुअल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करना मोटिव रखता है। डीएस वर्चुअल इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन एम है स्टूडेंट्स को हेल्प करना, तो इसलिए डीएस वर्चुअल तुम लोगों को कस्टिंग का क्लास दे रहा है, ठीक। अगर तुम्हें अकाउंट्स पेपर में दिक्कत है, अगर तुम्हें लॉ पेपर में दिक्कत है, अगर तुम्हें टैक्स पेपर में दिक्कत है, तुम डीएस वर्चुअल से क्लास भी ले सकते हो। अगर तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, तुम प्रूव कर दोगे तो तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा, उसके बारे में तुम चिंता मत करो। चलो अब आइए मेरे पास। मेरा नाम देवदत्त स्वाई, क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। मेरा प्रिपरेशन मेट्रो में हुआ था, दिल्ली में एंड कलकत्ता में। दिल्ली एंड कोलकाता, लेकिन तुम लोग कहाँ प्रिपरेशन कर रहे हो वो तो मुझे पता नहीं। हो सकता है तुम भुवनेश्वर में प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है तुम दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है तुम चेन्नई में प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है तुम मुंबई में प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है तुम पन्ना में प्रिपरेशन करो, इंडिया का कहीं पे भी तुम प्रिपरेशन करो। देखो बाहर मतलब उड़ीसा से बाहर, जो मैं एक्चुअली भुवनेश्वर में पढ़ाता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे जो स्टूडेंट है उन लोगों में थोड़ा उन लोगों के पास थोड़ा अवेयरनेस पहुँचाना चाहता हूँ। देखो जो लोग उड़ीसा में मतलब भुवनेश्वर में कर रहे हो, मैं तुम्हें यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें यही इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि कभी भी इज्जी से मतलब लिबरली मत पढ़ो। देखो
अगर तुम एक महला बनाओगे, महला मतलब एक वो पैलेस बनाओगे, तुम्हें ज्यादा मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर तुम सोचोगे नहीं चलो मुझे एक छोटा सा झुंपड़ी वाला कमरा चाहिए, तो कम मेहनत में हो जाएगा। हाँ, तो दो तरीके का प्रिपरेशन होता है। यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं ना, दो तरीके से पढ़ाते हैं। कुछ टीचर ऐसे हैं जो एकदम कंसेप्चुअली पढ़ाते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को डिटेल में समझाते हैं, और कुछ टीचर ऐसे हैं जो कंसेप्चुअली नहीं जाते हैं, बोलो क्या करते हैं, ना फॉर्मेट एंड फॉर्मूला बेसिस में जाते हैं। समझ में आ रहा है? तुम बोलो ज्यादा टाइम कहाँ लगेगा कोर्स खत्म करने के लिए? जहां कॉन्सेप्चुअली पढ़ा होता है वहां ज्यादा टाइम लगेगा, जहां फॉर्मूला फॉर्मेट बेसिस में पढ़ा होता है वहां ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, फिर बच्चों को मतलब बच्चे के ऊपर प्रेशर कहाँ आएगा? जहां कॉन्सेप्चुअली पढ़ा होता है, क्योंकि वहां का डिस्कशन लेंदी होगा ना, 4 या 5 कॉपी तुम्हें लिखना पड़ेगा नोट्स, लेकिन एक कॉपी भी नहीं होगा, आधा कॉपी में भी फुल हो जाएगा, जहां फॉर्मेट एंड फॉर्मूला बेसिस में पढ़ा होगा। फिर देखो तुम्हारा बीकॉम में भी कष्टिंग था, तुम फॉर्मूला बेसिस में पढ़ के आए थे, इसीलिए आज फिर से इंटर में कष्टिंग तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम बीकॉम में कंसेप्चुअली पढ़ के आए होंगे तो इंटर का कॉस्टिंग बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ध्यान से सोचो, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं। अगर आज, आज मतलब इंटर, अगर आज तुम फॉर्मूला बेसिस पे पढ़ोगे तो फाइनल में भी कष्टिंग है, तो वहां तुम्हें फिर से कष्टिंग पढ़ना पड़ेगा, मतलब बेसिक से। अगर फाइनल में भी तुम ही फॉर्मूला फॉर्मेट के बेसिस पे पढ़ोगे, भाई तुम्हारा एग्जाम तो निकल जाएगा, लेकिन पास होने के बाद तुम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जाओगे तो वहां बोलोगे कि चलो मैं फॉर्मूला एंड फॉर्मेट बेसिस पे तुम्हारा कास्टिंग करूंगा, लेकिन वहां तो फॉर्मूला एंड फॉर्मेट बेसिस पे कास्टिंग नहीं होता है। एक एमबीबीएस मतलब डॉक्टर के बारे में सोचो, मैं थोड़ा सा तो तुम्हें अवेयरनेस दूंगा ना, फिर उसके बाद में पेपर शुरू करूंगा। एक डॉक्टर के बारे में सोचो, डॉक्टर का पहले एग्जाम होता है, तो ठीक है, हाँ पहले एंट्रेंस होगा, फिर एंट्रेंस होने के बाद वो एमबीबीएस से प्रिपेयर करेगा, फिर एमबीबीएस से पास मतलब कंप्लीट करने के बाद वो डॉक्टरेट प्रैक्टिस करेगा। अगर एक डॉक्टर एमबीबीएस जब प्रिपरेशन कर रहा है वो फॉर्मूला एंड फॉर्मेट बेसिस पे पढ़ेगा, पास होने के बाद जो पेशेंट आएंगे उनके पास, वो उसका इलाज कैसे कराएगा? फॉर्मूला एंड फॉर्मेट बेसिस पे। बोलो फॉर्मूला एंड फॉर्मेट बेसिस में इजी मतलब जो इतना हार्मफुल नहीं होते, जो डिजीज वो तो रिक्योर हो जाएगा, लेकिन तुम समझदार के लिए इशारा काफी, तो इसीलिए मैं आगे नहीं बोल रहा हूं। समझ में आ गया ना? हाँ। अब तुम बोलो तुम्हें कैसा डॉक्टर बनना है? सर हम लोग डॉक्टर बनेंगे। हाँ बेटा डेफिनेटली तुम डॉक्टर बनोगे, क्योंकि तुम पास होने के बाद कंपनी का जो भी डिजीज हो जाएगा होगा तुम इसको इलाज कराओगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। पास होने के बाद जो भी मतलब जो भी कंपनी में तुम काम करोगे, कंपनी को तो डिजीज होगा ना, कंपनी का कॉस्टिंग में डिजीज हो सकता है, अकाउंट्स में डिजीज हो सकता है, ऑडिट में डिजीज हो सकता है, टैक्सेशन के केस में डिजीज हो सकता है, कहीं पे भी डिजीज हो सकता है, तुम उसका इलाज कैसे कराओगे? फॉर्मूला एंड फॉर्मेट बेसिस पे या कंसेप्चुअली? कंसेप्चुअली। फिर अगेन सोचो, बीकॉम तुम्हारा बैचलर डिग्री था, लेकिन आज तुम प्रोफेशनल डिग्री के लाइन में मूव कर रहे हो। ठीक है, एक डॉक्टर और एक प्रोफेसर, जब तुम्हें बड़ा डिजीज होता है ना तो मेडिकल जा रहे हो, जब तुम बड़ा डिजीज होगा तुम मेडिकल जाओगे, जो डॉक्टर के पास तुम चेकअप करोगे पहले पूछोगे क्या वो असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर? प्रोफेसर का मतलब डेप्थ नॉलेज, प्रोफेसर का मतलब डेप्थ नॉलेज। आज तुम प्रोफेशनल कोर्स में जा रहे हो, क्या तुम्हें ओवरऑल नॉलेज चाहिए या डेप्थ नॉलेज चाहिए? सर ओवरऑल नॉलेज तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं
तुम खुद का कॉस्टिंग प्रिपेरेशन वहीं करो जहां कंसेप्चुअली डिस्कशन हो रहा है। तो यहां पे जो भुवनेश्वर है ना, ये भुवनेश्वर में बहुत टीचर होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिर मार्केटिंग एजेंट के थ्रू बच्चे को मोटिवेट करते हैं। लेकिन मैं हम ऐसे नहीं, डीएस वर्चुअल ऐसे नहीं करता। डीएस वर्चुअल स्टूडेंट्स का हेल्प में, डीएस वर्चुअल हमेशा स्टूडेंट्स का हेल्प करेगा। तो ठीक है, मैं डीएस वर्चुअल में का ओनर नहीं हूँ, मैं डीएस वर्चुअल जो फैमिली है उसका फैमिली मेंबर हूँ। तुम लोग आज डीएस वर्चुअल का फैमिली मेंबर बन चुके हैं, तो वेलकम्स टू आवर फैमिली डीएस वर्चुअल। तो ये डीएस वर्चुअल आपको तीन प्रकार का क्लास प्रोवाइड कर सकता है। पेन ड्राइव मोड में जो क्लास लेके तुम लैपटॉप में देख सकते हो, फेस टू फेस क्लासेस में, इसका मतलब हमारा सेंटर यहाँ पे है भुवनेश्वर में, तुम यहाँ आके क्लास कर सकते हो। फिर मोबाइल एप्लीकेशन क्लास, मतलब अगर तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है फिर भी लैपटॉप है तो क्या हुआ, जब तुम बॉस में रन करोगे या ट्रैवल करोगे क्या तब लैपटॉप लगा के क्लास कर पाओगे? नहीं। तो मोबाइल एप्लीकेशन क्लास पॉकेट फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली, स्टूडेंट फ्रेंडली। तो मैं सभी बच्चों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तुम भी पेन ड्राइव क्लास ले रहे हो तो हमारे तरफ से मोबाइल एप्लीकेशन क्लास भी ले लो, लेकिन उसका मिसयूज मत करो। हाँ, हम कास्टिंग पेपर ऐसे प्रिपेरेशन करेंगे, मेरा टारगेट 70+। डेफिनेटली अगर तुम मेरा कास्टिंग में, मैं तुम्हें 100 क्लासेस दूंगा। अगर तुम वो 100 क्लासेस को कंसेप्चुअली पढ़ रहे हो, कंसेंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली तुम्हारा 70+ आएगा, एक गारंटी मैं दे रहा हूं पर्सनली। ठीक है, लेकिन तुम माइंड को स्ट्रांग करो, यही माइंडसेट करो कि चलो मुझे डीएसए वर्चुअल सही पढ़ना है कॉस्टिंग, और कहीं नहीं जाना है। तुम्हें मटेरियल मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल 3 वॉल्यूम मिलेगा। मैं तुम्हें दिखाता हूं कॉस्टिंग का वॉल्यूम, तुम्हें कॉस्टिंग का 3 वॉल्यूम मिलेगा। ये देखो कॉस्टिंग का 3 वॉल्यूम। ठीक है, चलो मैं 2 वॉल्यूम उधर रख देता हूं। चलो देखो, दिस इज कॉस्टिंग वॉल्यूम 1। इसमें तुम्हें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में दिया हुआ है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम नोट्स में लिखेंगे, फिर बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसमें अनसॉल्व है, फिर बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसमें सॉल्व्ड है। जो अनसॉल्व वाला क्वेश्चन होगा हम क्लासेस क्लास में डिस्कशन करेंगे, जो सॉल्व्ड वाला क्वेश्चन होगा वो लोग तुम ट्राई करोगे, फिर उसका रिवीजन क्लासेस भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अकाउंट्स के लिए भी सेम प्रोसीजर, ऑडिट के लिए भी सेम प्रोसीजर, लॉ के लिए भी सेम प्रोसीजर। आप बोलेंगे सर क्या आप सारे पेपर पढ़ाते हैं? नहीं, डीएस वर्चुअल का जो टीम है, टीम में बहुत एक्सपर्ट है। मैं उन वो फैकल्टी के बारे में मैं नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए मैं आज इंट्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा कॉस्टिंग पेपर मैं पढ़ाऊंगा। तो इसीलिए कॉस्टिंग पेपर के लिए तुम मेरे मतलब मेरा क्लास ही करोगे। चलो, फाउंडेशन का, इंटर का, फाइनल का तीनों लेवल में क्लासेस दिया जा रहा है। अगर पेन ड्राइव क्लास खरीदना चाहते हो या मोबाइल एप्लीकेशन क्लास खरीदना चाहते हो, नहीं तो हमारा फेस टू फेस क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, तो इस नंबर में तुम व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अगर तुम्हें मटेरियल, स्टडी मटेरियल का सॉफ्ट कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी तो तुम्हें बाय करना पड़ेगा, नहीं तो अगर तुम क्लास बाय कर रहे हो तो हार्ड कॉपी तुम्हें फ्री में मिल जाएगा। अगर तुम्हें लकी विनर के हिसाब से फ्री में कॉस्टिंग का क्लास मिल रहा है तो उस वक्त तुम्हें हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, तुम्हें सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा। अगर तुम्हें हार्ड कॉपी चाहिए तो उसका कॉस्ट तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा। चलो, तो हमारे क्लासेस कंसेप्चुअली देखो, फिर दोस्त को ये इंफॉर्मेशन पास करो कि डीएस वर्चुअल एक मोबाइल एप्लीकेशन है जहां
कॉन्सेप्चुअल क्लास मिल रहा है। अगर डीएस वर्चुअल में हम कस्टिंग क्लास करेंगे तो किसी दूसरे मतलब किसी भी कोचिंग लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं डिस्कशन। कॉस्टिंग, सीएसए में इंटर। देखो बेटा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाएगा, जो एग्जाम होगा, एग्जाम विल कैरी 100 मार्क्स। तुम्हें 3 घंटा का टाइम मिलेगा। हमारा टारगेट 70+, मैं 70+ टारगेट के साथ आगे जाऊंगा। अगर तुम मेरे क्लास कंसेप्चुअली करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें 70+ आएगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। जितना भी क्लासेस में डीएस वर्चुअल में दूंगा, पूरा का पूरा क्लासेस तुम्हें नोट्स करना है, पूरा का पूरा क्लासेस तुम्हें कंप्लीट करना। तो टारगेट होगा हमारा 70+। तो पहले हम सिलेबस लिखेंगे, पहले हम सिलेबस लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रिपेरेशन स्ट्रेटेजी बनाएंगे, मतलब हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद पेपर शुरू करेंगे। तो पहले लिखो सिलेबस। सबसे पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसको तुम इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो। सबसे पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसको तुम इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग भी बोल सकते हो। फिर उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा कॉस्ट शीट। देखो, आप बोलेंगे सर ये कॉस्ट शीट क्या होता है? अकाउंट्स का जो जनरल होता है, जैसे मतलब अकाउंट्स का किसी भी एरिया देखो उसके पीछे जनरल ही होगा, तो कॉस्टिंग का किसी भी एरिया देखो उसके पीछे कॉस्ट शीट ही होगा। इसका मतलब जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है, कहीं पे भी देखो ब्लड ही निकलेगा, तो कॉस्टिंग जो एरिया होता है उसमें कॉस्ट शीट ब्लड होता है। तो इसीलिए हम कॉस्ट शीट को अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे कॉस्ट शीट हमारे सिलेबस में है या नहीं है। बिना कॉस्ट शीट के साथ हम आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट ही होगा। अगर तुम्हें कुछ भी डिजीज हुआ, कुछ भी सिम्टम आ रहा है, तो डॉक्टर पहले तुम्हारा ब्लड टेस्ट कराएगा, ऐसा नो? हाँ, तो ब्लड से पता चलेगा कि हमारे बॉडी के अंदर कौन सा वायरस है। तो अगर कंपनी का कुछ डिजीज होगा कॉस्टिंग एरिया में, तो उसका कॉस्ट शीट हम पहले चेक करेंगे, कॉस्ट शीट को टेस्ट करेंगे। कॉस्ट शीट से हमें पता चलेगा कि वो कंपनी का कौन सा डिजीज, वो कंपनी को कौन सा डिजीज हुआ है। तो इसीलिए बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बाद हम पढ़ेंगे कॉस्ट शीट, फिर उसके बाद मटेरियल, फिर उसके बाद लेबर, ओवरहेड। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, फिर उसके बाद जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, फिर उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, देन बजट, देन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग।
बस इतना सा ही सिलेबस, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
फिर उसके बाद हम कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसको हम मिसलेनियस कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसको हम मिसलेनियस कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। देखो आप बोलेंगे सर क्या हम इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे? नहीं, पहले तुम्हें बेसिक एंड कॉस्ट पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम किसी भी चैप्टर शुरू करते हो। तो मैं जिस ऑर्डर में पढ़ाऊंगा वही कह रहा हूं, मेटेरियल, फिर उसके बाद मेटेरियल, मेटेरियल के बाद तुम चाहे लेबर पढ़ो, ओवरहेड पढ़ो, जॉब कॉस्टिंग पढ़ो, मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ो, बजट पढ़ो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सारे पेपर तो सारे चैप्टर तुम्हें समझ में आएगा। तो मेटेरियल के बाद हम लेबर भी शुरू करते हैं, अगर लेबर नहीं किए मार्जिनल कॉस्टिंग शुरू किए तो भी बहुत आसान होगा, क्योंकि ये सब इंडिपेंडेंट होता है। जो बेसिक में हम सीखेंगे, जो कॉस्ट शीट में हमें सीखेंगे, इस सारे चैप्टर में कॉस्ट शीट का इस्तेमाल होगा। तो इसीलिए हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बजट में मेटेरियल नहीं होगा, मेटेरियल का थोड़ा बहुत कंसेप्ट आ सकता है बजट में, लेकिन हम बजट में सीखेंगे कि बजट कैसे बनाएंगे। तो बजट में हम जब बनाएंगे, अगर मेटेरियल चैप्टर हो चुका है तो मेटेरियल चैप्टर का रेफरेंस लेंगे, अगर मेटेरियल चैप्टर नहीं हुआ है तो मेटेरियल चैप्टर का रेफरेंस हम नहीं लेंगे। अब बोलेंगे सर क्या बजट में लेबर इस्तेमाल नहीं होगा? हाँ बेटा, लेबर तो हर जगह, क्योंकि कॉस्ट शीट में मेटेरियल आएगा, लेबर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, बहुत जाएगा तुम्हारा प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखेंगे आगे, डोंट वरी। तो बजट चैप्टर में लेबर होगा तो लेबर तो हमने पहले पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा रूल नहीं है। तुम्हें बजट में लेबर का पॉइंट समझा दिया जाएगा। अगर बजट चैप्टर पढ़ने से पहले लेबर चैप्टर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है तो लेबर चैप्टर का हम रेफरेंस ले सकते हैं, नहीं तो रेफरेंस नहीं लेंगे, इसमें क्या बात है। चलो ये हुआ हमारा चैप्टर्स, हमें इसको प्रिपेयर करेंगे, टारगेट हमारा 70+। ये हुआ हमारा चैप्टर्स, हमें इसको प्रिपेयर करेंगे, चैप्टर हुआ हमारा सॉरी टारगेट हुआ हमारा 70+। देखो एक बच्चा जब एग्जाम दे रहा है, एग्जाम हॉल में उसका माइंडसेट होता है कि मैं 100 मार्क्स आंसर दे दूंगा। तो एग्जाम जब तुम बैठोगे, तुम्हारे पास एक ऑप्शन होता है, तुम 100 मार्क्स का आंसर लिखो, तो तुम 100 मार्क्स का आंसर लिखोगे। और एक बच्चा होता है, उसका माइंडसेट होता है कि मुझे 100 मार्क का आंसर नहीं लिखना है, जितना भी लिखना है एकदम कंसेप्चुअल के साथ लिखना है। चलो 80 मार्क्स, अगर तुम 100 मार्क का आंसर देने के लिए कोशिश करोगे तो क्वालिटी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, एक गारंटी मैं दे रहा हूं। क्यों? 3 घंटे के अंदर तुम्हें लिखना है ना, तो क्वालिटी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम क्वालिटी के साथ आंसर देना चाहते हो, क्वालिटी के साथ आंसर देना चाहते हो, तुम 100 मार्क्स आंसर नहीं लिख पाओगे, टाइम नहीं होगा बेटा, तुम 80 मार्क का आंसर दे सकते हो। तो अगर तुम 100 मार्क्स का आंसर दोगे तो क्वालिटी कम होगा, तुम्हें अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ, अगर तुम जीनियस स्टूडेंट हो, 100 मार्क्स को क्वालिटी के साथ लिख रहे हो तो तुम्हें 100 मिल जाएगा। तो मैं ये जो पॉइंट अभी कह रहा हूँ, ये जीनियस स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये मेरा जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट बीकॉम ऐसे ऐसे पढ़ के आए हैं फिर भी बड़ा सपने दिखते हैं, बस उन लोग के लिए। तुम लोग चिंता मत करो, जीनियस स्टूडेंट को अगर हम मैं गाइडेंस नहीं करूँगा तो भी वो निकल जाएंगे, लेकिन मेरा जो गाइडेंस 100% तुम्हारे लिए रहेगा, जो
सोचते हैं कि मैंने तो बीकॉम में कुछ पढ़ के नहीं आया हूँ, क्या मैं प्रोफेशनल कोर्स क्लिक करूँगा? बेटा, तुम प्रोफेशनल कोर्स डेफिनेटली क्लिक करोगे, क्योंकि तुम डीएस वर्चुअल का मेंबर, तुम्हारा फैमिली डीएस वर्चुअल, ठीक है? चलो, तो 100 मार्क इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा क्वालिटी आंसर, ये तुम्हारा जनरल आंसर। बोलो, एग्जाम हो गया, तुम एग्जाम हॉल से निकल गए हो बाहर में, मतलब आउटसाइड द एग्जाम हॉल बहुत स्टूडेंट्स मिलेंगे, सबके अंदर यही डिस्कशन हो रहा होगा, भाई तुमने कितना मार्क का आंसर दिया? ये बोला कि चलो मैं तो 100 मार्क का आंसर दे दिया। सभी लोग इसको ही देखेंगे, क्या स्टूडेंट 100 मार्क का आंसर दे दिया? ये भी बोला कि चलो मैं भी पूरा का पूरा आंसर लिख लिया, ये भी बोला कि मैं भी पूरा का पूरा आंसर लिख लिया, ये भी बोला मैंने पूरा का पूरा आंसर लिख लिया। लेकिन तुम जो एकदम लास्ट में थे, तुम्हारा दिल दुखी हो गया, तुमने बोला मैंने तो 80 मार्क का आंसर दिया, डेफिनेटली वो लोग पास करेंगे, वो लोग ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे, मैं तो कम मार्क्स स्कोर करूंगा। चलो हम ऐसे आप नहीं पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा एकदम खराब हो गया, ऐसे 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 तुम कुछ भी सोचोगे, लेकिन तुम्हें दुख मिलेगा रिजल्ट के तब। जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, मतलब रिजल्ट आएगा, तुम देखोगे जो लोग 100 मार्क का आंसर दिए थे वो लोग स्कोर करेंगे 30, 40, 50 एक्सेट्रा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूं, क्योंकि मैं अपना प्रिपरेशन इस बच्चे के जैसे किया था। मैंने 80 मार्क का एग्जाम दिया था, ठीक है? फिर सीए में मैंने 62 स्कोर किया था, कॉस्टिंग में, CMA में मैंने 71 स्कोर किया था कॉस्टिंग में। अब बोले क्या सर आप सीए में भी 80 मार्क का आंसर दिए थे? नहीं, सीए में थोड़ा कम हुआ था, क्योंकि मेरा एफिशिएंसी तब इतना अच्छा नहीं था, एक प्रॉब्लम में मैंने फंस गया था, इसीलिए 70 मार्क का आंसर दिया था सीए एग्जाम में। लेकिन कॉस्टिंग एग्जाम में मैंने एग्जैक्टली 80 मार्क का आंसर दिया था, 80 मार्क से 71। तुम सोचो अगर मैं 100 मार्क का आंसर दे देता उस वक्त, तो मेरा 71 नहीं आता। अब बोलेंगे सर क्या सच में आपका 71 आया था? हाँ बेटा, 71 आया था, मैं उसको दिखाता हूं। ये देखो एससी एग्जाम का मार्कशीट, कॉस्टिंग, अच्छा सॉरी, मैंने 60 कितना लिखा था तो याद नहीं, 61 था, 80 मार्क मैंने आंसर दिया था, फिर इनकम टैक्स में 60 था, तो बाकी पेपर का मार्क तुम मत देखो। एससी इंस्टीट्यूट का एग्जाम, ग्रुप 1 का एग्जाम, अकाउंटिंग में मेरा 62 था, वही प्रिपरेशन, मैंने 80 मार्क्स, मैं 100 मार्क के पीछे नहीं पड़ता हूँ, कभी भी नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ज्यादा मार्क का आंसर लिखने से खुशी नहीं मिलेगा, लेकिन ज्यादा मार्क स्कोर करने से मुझे खुशी मिलेगा। तो तुम मेरा मार्क देख सकते हो, हर पेपर में 60 या 60 से ज्यादा, पहला जो दिखाया दिखा दिखाया था मैंने, इसमें एक पेपर था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो पेपर मुझे इतना मतलब समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी पास करने के लिए मैंने उसको पढ़ा था। लेकिन हमारा जो कोर पेपर होता है, कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट, लॉ एक्सेट्रा, बहुत सारे पेपर में तुम मार्क देख सकते हो 61, 60, अकाउंटिंग में 62, ऑडिट में 55, लॉ में 62। ये देखो मेरा कॉस्टिंग का मार्कशीट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 71 आउट ऑफ 80 मार्क्स,
क्योंकि मैंने क्वालिटी आंसर लिखा था। अगर तुम क्वालिटी आंसर लिखोगे तो डेफिनेटली तुम्हें 71 क्या 80 से 80 भी मिलेगा, वो प्रयास तो मैं डेफिनेटली करूंगा। फिर बाकी जो भी पेपर था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसमें 63 था, लॉ में 59 था, बिजनेस टैक्सेशन में 63। फिर यस पोस्टिंग का सेकंड ग्रुप एग्जाम का मार्कशीट, कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब कॉस्टिंग होता है, तो कॉस्टिंग में 60, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 66, ऑडिट में 60, लॉ में 57। चलो ये हो गया। तो अब तुम बोलो तुम्हें कौन सा ग्रुप में रहना चाहिए, क्या 100 मार्क्स का आंसर दोगे बिना क्वालिटी के साथ एग्जाम हॉल से बाहर, मतलब एग्जाम के बाद तुम हीरो बन जाओगे लेकिन रिजल्ट के बाद तुम जीरो हो जाओगे? नहीं, तो तुम्हें 80 मार्क क्वालिटी के साथ आंसर लिखना है, तुम्हें 80 मार्क्स क्वालिटी के साथ आंसर लिखना है, ऐसा नो? हाँ, एग्जाम के बाद तुम्हारा कुछ इंप्रूव नहीं होगा, मतलब तुम जैसे थे वैसे रहेंगे, लेकिन रिजल्ट के बाद तुम हीरो हो जाओगे और वो हमेशा के लिए चलेगा। लोग तुम्हें एग्जाम्पल बनाएंगे, ठीक है, हर फैमिली में तुम्हारे बारे में डिस्कशन होगा कि देखो उसको बेटे को कस्टिंग में 80, व्यवसार के पास पढ़ रहा था, डीएस वर्चुअल में पढ़ रहा था, लेकिन हमारा बेटा क्या किया, एडवर्टाइजमेंट देख के किसी और के पास चला गया, फेल हो गया। तुम ऐसे प्रिपरेशन करो जैसे कि ज्यादा मार्क्स आएगा लेकिन ज्यादा मार्क आंसर देना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैंने 60 मार्क का आंसर दिया तो क्या हुआ, मेरे पास क्वालिटी है, मुझे 60 मिल जाएगा। तुमने 80 मार्क या 100 मार्क का आंसर दिया तो क्या हुआ, तुम्हारे पास क्वालिटी नहीं है, तुम्हारा आंसर में दम नहीं है, तो तुम्हें 60 से कम मिलेगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। तो इसीलिए मैंने तो तुम्हें प्रिपेयर कर रहा हूं कि टारगेट कितना रखा है मैंने, 70+। आप बोलेंगे सर टारगेट 80 करा दीजिए, देखो 70+, 70 तो कंफर्म, उससे आगे जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। चलो ये हुआ हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। आप बोलेंगे सर कॉस्टिंग पेपर में क्या प्रॉब्लम आता है या थ्योरी आता है? देखो तुम्हारा प्रॉब्लम भी आएगा, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरी भी आएगा। तुम चाहोगे पूरा का पूरा प्रैक्टिकल भी सॉल्व कर सकते हो, तुम चाहोगे पूरा का पूरा थ्योरी तो नहीं होगा क्योंकि ये थ्योरी पेपर नहीं है, प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी कंबाइन करके भी लिख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा सेकंड रास्ता। अगर तुम्हें पूरा का पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है फिर भी तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चन मत लिखो, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मत लिखो, तुम प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी कंबाइन करके लिखो, तुम्हारा अच्छा तुम्हें अच्छा स्कोर मिलेगा, जो मैंने किया था, मेरा टीचर मुझे यही सजेस्ट किए थे। अब बोले सर आप कहाँ पढ़े थे? मैंने बोला ना मैं मेट्रो में प्रिपेयर किया था। तो इसीलिए हमारे जो भी स्टूडेंट्स हमारा आप में जो पढ़ रहे हैं वो लोग हमेशा प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी कंबाइन करके लिखेंगे क्योंकि तुम्हारा प्रिपरेशन मेरे जैसे चलेगा। अच्छा ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखो हो चुका है, हम पहले इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। देखो इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग, सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगा कि आवर ड्यूटी क्या होता है कॉस्टिंग पेपर में या कॉस्टिंग एरिया में, हमारा ड्यूटी क्या होता है हम पहले समझेंगे। सर हमारा ड्यूटी क्या होता है, टू कंप्यूट कॉस्ट, कॉस्ट कंप्यूटेशन हमारा ड्यूटी होता है। फिर रिडक्शन ऑफ कॉस्ट,
कॉस्ट को कम करना हमारा ड्यूटी होता है। फिर कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, पहले कंपटीशन, फिर उसके बाद कंट्रोल, फिर उसके बाद रिडक्शन। मैंने थोड़ा ऑर्डर चेंज कर दिया, तो पहले कंपटीशन लिखो, फिर उसके बाद कंट्रोल, फिर उसके बाद रिडक्शन। चलो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लो कि कुछ डिजीज हुआ है हमें, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है या तुम्हारा शुगर बढ़ चुका है, डॉक्टर का ड्यूटी क्या होगा उस वक्त? क्योंकि मैंने तुम्हें एक डॉक्टर के साथ बराबर किया ना, हाँ, वो ह्यूमन बींग्स का डॉक्टर, हाँ, और कुछ डॉक्टर होते जो एनिमल के लिए, लेकिन तुम भी एक डॉक्टर हो कंपनी के लिए, तुम भी एक डॉक्टर हो कंपनी के लिए। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर, आज मतलब आज तुम बोल सकते हो प्राउड के साथ, क्योंकि तुम्हें मतलब डॉक्टर के नॉलेज, डॉक्टर का नॉलेज तुम्हें तुम ले रहे हो। चलो तुम्हारा डिजीज हुआ था, तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर पहले आइडेंटिफाई करेंगे मतलब कंप्यूट करेंगे तुम्हारा ब्लड प्रेशर कितना, बोला कि 150/100। डॉक्टर ने बोला कि चलो मेरा ड्यूटी पहले ब्लड प्रेशर को कंप्यूट करना, तो तुम डॉक्टर तुम बोलोगे मेरा ड्यूटी मैं पहले कॉस्ट कंप्यूट करूंगा, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद डॉक्टर तुम्हारा बीपी को कंट्रोल कराएंगे, बोलेंगे कि चलो ये मेडिसिन खा लो। तो अगर ये मेडिसिन खाओगे तो तुम्हारा बीपी कंट्रोल हो जाएगा, मतलब 150/100 से ज्यादा आगे नहीं जाएगा। फिर उसके बाद बहुत धीरे 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 रिड्यूस करके नॉर्मल 120/80 को ले आएगा। अगर तुम्हारा शुगर बढ़ जाएगा तो बस वही सेमी प्रोसीजर। इसका मतलब हर डॉक्टर का प्रोसीजर यही होता है, पहले डिजीज को काउंट करेंगे, फिर उसके बाद उसको कंट्रोल करेंगे, फिर उसके बाद उसको रिड्यूस करेंगे। अगर तुम कंपनी का डॉक्टर बनोगे तो तुम्हारा ड्यूटी क्या होगा तुम बोलो, मैं बोलने के लिए कौन हूं? तुम डॉक्टर हो कंपनी के लिए, तुम्हारा ड्यूटी क्या होगा तुम बोलो। सर हमारा ड्यूटी होगा कि हम कंप्यूट करेंगे ब्लड प्रेशर नहीं कॉस्ट, फिर उसके बाद हम कंट्रोल करेंगे जैसे कि कॉस्ट आगे नहीं बढ़ेगा, फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि कॉस्ट कैसे कम होगा। समझ में आया ड्यूटी क्या होता है? हाँ सर। सर ऐसे समझ में आया कि जिंदगी भर हम कभी भी नहीं भूलेंगे। आप सर ग्रेट हो, बहुत अच्छे से समझाते हो। हाँ बेटा तुम लास्ट तक क्लास करो, अगर आज से तुम मुझे ग्रेट बोलोगे, लास्ट क्लास में क्या बोलोगे? सुपर ग्रेट। तो लास्ट क्लास के बाद बोलने के लिए आज से तुम्हारा शब्द सिलेक्ट करो और रखो खुद के पास, एकदम लास्ट को बोल दोगे कि सर आप महान है, ग्रेट है, बकवास है, कुछ भी बोल सकते हो। चलो तो कॉस्टिंग पेपर में हमारा ड्यूटी होगा टू कंप्यूट कॉस्ट, टू रिड्यूस कॉस्ट, टू कंट्रोल कॉस्ट। अच्छा आप बोलेंगे सर ये सब हम क्यों करेंगे? देखो एक डॉक्टर होता है, जो डॉक्टर होते हैं वो ये सब करते हैं एक डिसीजन लेने के लिए कि तुम्हें कौन सा दवाई दूं। तुम डॉक्टर तुम डिसीजन लोगे कि कंपनी तुम्हें ये दवाई चाहिए, अगर तुम ये मेडिसिन खाओगे तो तुम्हारा डिजीज अच्छा हो जाए, क्लियर हो, मतलब रिकवर हो जाए, क्या रिकवर हो जाए। तो ये सब हम यूज करेंगे टू टेक डिसीजन। इन कॉस्टिंग एरिया। अच्छा और एक बात मैं कह रहा हूं, एक्चुअली ये जो हमारा क्लासेस हो रहा है ये स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है, तो मैं
खुद समझाता हूँ, कैलकुलेशन भी मैं खुद कर रहा हूँ। अगर कहीं पे भी आगे तुम्हें आगे मतलब ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था ये कॉस्ट वाला क्वेश्चन जो क्लास, अभी फिर से रिकॉर्डिंग हो रहा है, नया रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा आगे क्या हुआ है तुम्हें कह रहा हूँ, आज उसका इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कॉस्ट के क्लास में एक क्वेश्चन मतलब अच्छा तुम एक बात बोलो, 5000 का 2% कितना होगा? सर 5000 का 2% नहीं, 5% सॉरी 5000 का 5% 250। मान लो कि मेरे पास 4000 था, उसके साथ में ये 5% का 5% ऐड करूंगा तो 250 ऐड करना चाहिए, लेकिन मैंने इसको गलती से 500 लिख दिया। क्या तुम 500 लिखोगे कॉपी में? नहीं सर, 5000 का 5% तो 250 होगा। अगर आप गलती से 5500 लिखेंगे तो हम 500 ही नहीं लिखेंगे, टोटल कितना होना चाहिए? 4250। अगर इसको मैं 4500 लिख दूंगा क्या तुम लिखोगे? नहीं। मान लो सेलिंग प्राइस 5000, सेलिंग प्राइस 5000 पहले से है तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना आएगा? 750, ये बैलेंसिंग फिगर। तो इसीलिए अगर तुम बोलोगे कि 4000 प्लस 500, 4500 सेलिंग प्राइस तो 5000, प्रॉफिट 500 हो रहा है, 750 क्यों होगा, कैसे होगा? तो एक ही क्वेश्चन में ऐसा गलती हुआ था, ठीक है। अगर तुम उसको खुद मैनेज कर लोगे तो बहुत अच्छा बात है, अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो मुझे फोन कर देना, मेरे से समझ लेना। इसीलिए मैं वो क्लास को रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि मैं कोर्स पहला क्लास को चेंज कर दिया, पहला क्लास में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया कि आगे क्या हुआ है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मेटेरियल चैप्टर ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, क्योंकि बहुत क्लासेस रिकॉर्ड होने के बाद मैं बेसिक क्लास को फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो पुराना वाला बेसिक था उसको मैंने हटा दिया। तो जो लोग मेरे ऐप में पुराना वाला बेसिक क्लास, बेसिक कोर्स कंसेप्ट का पहला क्लास किए थे, काइंडली नया क्लास को फिर से देख लो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पॉइंट मैंने डिस्कशन किया हूँ। मेटेरियल चैप्टर में मैंने एक क्लास कर रहा था 30 या 25 मिनट्स के बाद, मेरा एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है, 30 या 25 मिनट्स के बाद साउंड डिस्कनेक्ट हो गया। जब मुझे पता चला कि साउंड नहीं आ रहा है तो मैं 10 या 12 या 13 मिनट्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इसका मतलब तुम मेटेरियल का चैप्टर में तुम्हें एक क्लास मिलेगा जहाँ साउंड नहीं है। फिर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वेट करते हैं कि साउंड आएगा, बेटा साउंड और नहीं आएगा। जहाँ साउंड लॉस हो गया तुम वहीं से क्लास को बंद कर दो, फिर नेक्स्ट क्लास शुरू करो। नेक्स्ट क्लास में जहां साउंड डिस्कनेक्ट हुआ था वहीं से मैं डिस्कशन शुरू करूंगा। अगर तुम ये साउंड नहीं है फिर एक टाइम को वीडियो देखोगे तो तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा वो टाइम, वो तुम्हारा गलती नहीं मेरा गलती। इसीलिए मैंने जो पहला क्लास था, पहला क्लास में जो मिस्टेक आगे हुआ है उसको कह रहा हूं। समझ में आया बात? हाँ। और मिस्टेक नहीं है फिर आगे को भी मिस्टेक नहीं होगा। हाँ, फिर उसके बाद मेटेरियल चैप्टर में जब मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा था उस वक्त थोड़ा सा एनवायरनमेंट मतलब बारिश का मौसम था। एक्चुअली ये क्लासेस हमारा इंटरनेट में रिकॉर्डिंग हो रहा है तो ठीक है, मैं कहीं पे भी पढ़ा सकता हूँ लेकिन रिकॉर्डिंग मेरा स्टूडियो में हो रहा है। अगर मैं दिल्ली में है तो मैं दिल्ली से पढ़ाऊंगा लेकिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो थ्रू इंटरनेट सिग्नल जाएगा। तो क्या हो रहा है ना, मेटेरियल चैप्टर में मैंने 1-2-3 क्लास लिया था, उस वक्त थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम था,
इसीलिए कैमरा डिस्टर्ब हुआ था, कभी कभी बीच में मेरा पिक्चर गायब हो जाता था फिर आ जाता था, ऐसा हुआ था। फिर जो मैं लिखता हूँ वो रुक रुक के चल रहा था। फिर मैंने देखा बाद में उस वो वीडियो को मैंने देखा, मैंने बोला कि चलो ठीक है, 10 घंटा का मेहनत अगर इसको फिर से रिफ्लेक्स करो तो शायद इस टर्म नहीं होगा, अगले नेक्स्ट टर्म में फिर से रिकॉर्ड कर दूंगा, क्योंकि हमें कोर्सेस खत्म करना है, कोर्स खत्म करना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो थोड़ा सा रुक रुक के चलेगा लेकिन आवाज़ नोट्स अंडरस्टैंडिंग ठीक से आएगा तो तुम उसको थोड़ा सा एडजस्ट करोगे, मटेरियल के बाद और कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो मैं अगले टर्म मटेरियल चैप्टर को फिर से रिकॉर्डिंग करा के दे दूंगा। अगर तुम नेक्स्ट टर्म कर रहे हो तुम्हें नया मटेरियल चैप्टर का क्लास मिल जाए तो ये सब पॉइंट तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। तुम बोलोगे सर आप तो बोले थे मिस्टेक होगा, क्यों तो मिस्टेक नहीं हुआ है। चलो हो गया अनाउंसमेंट। तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा टू कंप्यूट कॉस्ट, टू रिड्यूस कॉस्ट एंड टू कंट्रोल कॉस्ट। क्यों हम डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट लिखो व्हाट इज कॉस्ट। ये कॉस्ट क्या होता है। देखो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस, प्रोडक्ट हम बनाते हैं सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस को हम नहीं बनाते। इसका मतलब टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड ए सर्विस। तुम प्रोफेशनली लैंग्वेज भी यूज करोगे। टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट, टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट नहीं लिखोगे, टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट टू प्रोवाइड ए सर्विस। हम रिसोर्सेस यूज करते हैं टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड ए सर्विस विथ कंज्यूम्ड रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेस तुम कंज्यूम करोगे वो रिसोर्सेस का मॉनिटरी वैल्यू होता है, वो मॉनिटरी वैल्यू इज कॉल्ड एज कॉस्ट। इसका मतलब अगर मैं तुम्हें कॉस्ट का डेफिनेशन पूछूं, अगर मैं तुम्हें कॉस्ट का डेफिनेशन पूछूं तो तुम क्या जवाब दोगे। सर कॉस्ट इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस कंज्यूम्ड टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड ए सर्विस। सर कॉस्ट इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस कंज्यूम। फिर से बोलो कॉस्ट इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस कंज्यूम टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड ए सर्विस। तुम खुद एक बार बोलो कि कॉस्ट क्या होता है। सर कॉस्ट होता है मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस कंज्यूम्ड टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड ए सर्विस। तो लिखो कॉस्ट मींस मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस कंज्यूम्ड टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड ए सर्विस। आप बोलेंगे सर कॉस्टिंग क्या होता है। देखो कॉस्टिंग एक प्रोसेस होता है, कॉस्टिंग एक टेक्निक्स होता है। जो प्रोसेस या टेक्निक्स लगा के, कॉस्टिंग एक प्रोसेस होता है, कॉस्टिंग एक टेक्निक्स होता है, जो प्रोसेस या टेक्निक्स लगा के हम कॉस्ट कंप्यूट करेंगे, कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे, कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे, कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, कॉस्ट रिडक्शन करेंगे। फिर से बोलो कॉस्टिंग क्या होता है। बहुत आसान प्रोसेस। कॉस्टिंग क्या होता है। सर कॉस्टिंग एक प्रोसेस होता है। अच्छा कॉस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट टू कंट्रोल द कॉस्ट।
टू रिड्यूस द कॉस्ट टू टेक डिसीजन। तो लिखो व्हाट इज कॉस्टिंग या कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट इन अदर वर्ड कॉस्टिंग इज ए सब्जेक्ट by the help of which we will determine the cost control the cost reduce the cost and to take decision इन कॉस्टिंग एरिया। कॉस्टिंग इज ए सब्जेक्ट जिसको यूज करके तुम ये सब कर सकते हो। नेक्स्ट लिखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कॉस्ट पब्लिक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितने प्रकार का देखो तुम डिफरेंट डिफरेंट बेसिस से कॉस्ट को डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो इसीलिए अगर तुम एलिमेंट के हिसाब से देखोगे तो कॉस्ट तीन प्रकार का मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस। अगर तुम एलिमेंट के हिसाब से देखोगे तो कॉस्ट तीन प्रकार का मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस। फिर मटेरियल दो प्रकार का डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर दो प्रकार का डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस दो प्रकार का डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप बोलेंगे सर मटेरियल क्या होता है लेबर क्या होता है एक्सपेंसेस क्या होता है डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है ऐसा हम बाद में देखेंगे अभी लिस्ट बनाएंगे। अगर तुम फंक्शन के हिसाब से देखोगे बहुत सारे क्लासिफिकेशन आएगा। अब लेंगे सर क्या अनलिमिटेड है अनलिमिटेड नहीं बेटा। प्रोडक्शन कॉस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। ये बहुत प्रकार का आएगा। तो हमारा जो बुक है वॉल्यूम वन उसमें डिटेल्स दिया हुआ है। तो जब थ्योरेटिकल डिस्कशन करूंगा तो वहां मैं डिस्कशन कर दूंगा। नेक्स्ट लिखो बिहेवियर वाइज अगर तुम बिहेवियर के हिसाब से देखोगे तो कॉस्ट दो प्रकार तीन प्रकार का वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आप बोलेंगे सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है फिक्स कॉस्ट क्या होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है उसका डिटेल हम आगे डिस्कशन करेंगे। अभी लिस्ट बनाते अभी हम मेन्यू बनाते कि कितना आइटम होगा मटन क्या होता है
चिकन क्या होता है? चिली चिकन क्या होता है? चिली गोभी क्या होता है? ये सब हम बाद में देखेंगे, खाएंगे भी बाद में। अगर तुम डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, डिसीजन टेकिंग बेसिस, अगर तुम डिसीजन टेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कॉस्ट दो प्रकार का, रिलेवेंट कॉस्ट, इरिलेवेंट कॉस्ट। सर रिलेवेंट कॉस्ट क्या होता है, इरिलेवेंट कॉस्ट क्या होता है? बेटा मैंने बोला ना, ये सब डिटेल्स बाद में डिस्कशन कराऊंगा, तो आज मेन्यू देखो। हाँ, अगर तुम कैश फ्लो मतलब आउटफ्लो, आउटफ्लो बेसिस अगर तुम देखोगे, अगर तुम आउटफ्लो के बेसिस पे देखोगे तो कॉस्ट दो प्रकार का, एक होता है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट और एक होता है नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट को इंपुटेड कॉस्ट भी कहते हैं। अब बोलेंगे सर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होता है, नोशनल कॉस्ट क्या होता है, उसको मैं यहीं पे समझाता हूँ, समझने के लिए कोशिश करो। मान लो तुमने एक होटल गया, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में 2 घंटा बैठ के खाना खाया। आप बोलेंगे सर खाना खाने के लिए 2 घंटा, समझदार के लिए इशारा काफी, 2 घंटा क्या, 4 घंटा भी जाएगा ना खाना खत्म होगा ना बात खत्म होगी। हाँ सर, क्या सर आपका भी एक्सपीरियंस है? नहीं, हम लोग क्या मतलब हमारा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन नॉलेज है। ओके चलो, मान लो तुमने एक रेस्टोरेंट गया खाना खाने के लिए, तो खाना खाने के लिए तुम्हें 2 घंटा लगा, 2 घंटा तुमने बैठा कहाँ, रेस्टोरेंट में एसी चल रहा था, लाइट जल रहा था, तुम लोग बैठ के खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद कैश काउंटर के पास गया, पूछा कि बिल कितना हुआ, बिल हुआ 1,000 रुपया। तुम ये बोलो तुमने 1,000 रुपया पॉकेट से पे किया, तुमने 1,000 रुपया पॉकेट से पे किया। हाँ, ये होगा तुम्हारा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ये होगा तुम्हारा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि तुमने 1,000 रुपया पे कर रहे हो, तुमने 1,000 रुपया पे कर रहे हो, ठीक है। ओके, तुमने 1,000 रुपया पे कर रहे हो, ये होगा तुम्हारा क्या, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। तो इसका मतलब जिस कॉस्ट के लिए आउटफ्लो होगा पॉकेट से, वो हो जाएगा हमारा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। फिर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट दो प्रकार का, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट दो प्रकार का, एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लिखो इन पे, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इज टू टाइप्स, एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो चलो तुमने 1,000 रुपया पेमेंट किया रेस्टोरेंट ओनर को, तो 1,000 रुपया तुम्हारे लिए हो जाएगा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, बोलो ये सर नो? हाँ सर। फिर तुमने सोचा कि तुमने जितना भी खाना खाया था उसका वैल्यू 800, बाकी 200 रुपया किसके लिए, वो जो एसी चल रहा था, लाइट जल रहा था, वो जो कमरे में तुम बैठे थे, क्या उसका चार्जेस रेस्टोरेंट ओनर रिकवर नहीं करेगा, बोलो ऐसा नो? हाँ सर, वो तो रिकवर करेगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए कुछ अलग से पेमेंट करना पड़ा, या वही 1,000 में इंक्लूड है, वही 1,000 में इंक्लूड है, लेकिन तुम्हें क्या वो सेग्रीगेशन बताएगा कि
कि चलो तुमने रेस्टोरेंट एसी के लिए इतना दिया, अगर वो सेग्रीगेशन बताएगा तो मार्केट में उसका रेस्टोरेंट धीरे 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 डाउन हो जाएगा। फिर भी उसको तो पैसा रिकवर करना है, लेकिन तुम्हें नहीं पता होना चाहिए। तो इसीलिए वो 1000 तुमसे रिकवर करेगा, ये 1000 तुम्हारा हो जाएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि किस कारण के लिए तुम पेमेंट कर रहे हो, सॉरी ये 1000 तुम्हारा हो जाएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि ये एक ही आइटम का नहीं है, ये 2-3-4 चीज का प्राइस, लेकिन अलग 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 कंपोनेंट्स तुम्हें पता नहीं है। अगर तुम कंबाइन कॉस्ट पेमेंट कर रहे हो, फिर डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट सेपरेट मैटर के लिए, फिर सेपरेट सेपरेट मैटर का अमाउंट तुम्हें पता नहीं है, तो तुम उस वक्त बोलोगे कि ये इम्प्लिसिट कॉस्ट। मान लो कि वो रेस्टोरेंट ओनर तुमने बोल दिया कि देखो भाई रूम के लिए 200 रुपया, खाने के लिए 800 रुपया, भले तुम 1000 पेमेंट करोगे पॉकेट से पेमेंट करोगे तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। अब बोलेंगे सर मैंने फोन पे किया, तो क्या आउट ऑफ फोन कॉस्ट? नहीं, तुम खुद तो पेमेंट किया तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। लेकिन अब तुम 1000 पेमेंट कर रहे हो दो चीज के लिए, डिफरेंट डिफरेंट मैटर का डिफरेंट डिफरेंट प्राइस, वो भी तुम्हें पता है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब व्हेन डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट इज नोन, देन इट इज कॉल्ड एज आउट ऑफ सॉरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। व्हेन वी पे कंबाइन कॉस्ट विदाउट नोइंग द सेपरेट कंपोनेंट, व्हेन वी पे कंबाइन कॉस्ट without identifying the components, then it is called as implicit cost. अब देखो out of pocket cost हो गया, implicit cost हो गया, explicit cost हो गया। अब समझते हैं notional cost क्या होता है। देखो मान लो कि ये DS Virtual का studio, ये जो कमरा मैंने रेंट में ले रखा हूं पर महीना 10,000, अब मुझे ओनर को 10,000 हर महीने आउट ऑफ पॉकेट से पेमेंट करना होगा। हाँ, ये होगा मेरा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, आउट होगा मेरा, ये होगा मेरा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। मान लो ये जो कमरा में स्टूडियो है ये मेरा खुद का रूम, ये मेरा, इसका ओनर मैं हूं, फिर भी इसका रेंट तो 10,000, मार्केट वैल्यू मार्केट रेट 10,000 ना, तो मैं जो क्लासेस तुम्हें दे रहा हूं 10,000 का रेंट यूज किया या नहीं किया? हाँ रेंट तो यूज किए, तो इसको तो मैं कॉस्ट में डेफिनेटली इंक्लूड करूंगा, चाहे वो कमरा मेरा हुआ या चाहे वो कमरा मैं रेंट में लिया हूं, तो इसमें क्या बात है। हाँ सर आप तो डेफिनेटली रिकवर करेंगे, देखो मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं मेरे पास नॉलेज है इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ तो उस नॉलेज के लिए मुझे किसी को पेमेंट करना पड़ता है? नहीं, लेकिन वो मेरे दिमाग में इनबिल्ट है। हाँ वो नॉलेज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, कुछ पैसा ले रहा हूँ, हाँ या नहीं? तो इनबिल्ट नॉलेज हुआ तो क्या हुआ, उसको मैं तुम्हें डिलीवर करूँगा तो उसके बदले तो कुछ चार्जेस तो लूँगा, तो उसको कहते हैं कॉस्ट, लेकिन वो मेरे लिए आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट, सॉरी नोशनल कॉस्ट। इसका मतलब जिसको तुम कॉस्ट मानते हो फिर कस्टमर से रिकवर करते हो लेकिन उसके लिए किसी को पेमेंट नहीं करना पड़ता है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा नोशनल कॉस्ट, वो हो जाएगा तुम्हारा नोशनल कॉस्ट। बात समझ में आया? हाँ सर, तो बोलो तारा रारा सर। क्यों? क्योंकि ये मेरा डायलॉग है, अगर तुम्हें समझ में आएगा तो तुम तारा रारा बोलोगे, तारा रारा मतलब खुश हो जाओगे। बोलो बात समझ में आया? हाँ सर, तो बोलो तारारा, बोलो तारारा। तो अच्छा ये रेंट मुझे तो किसी को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा लेकिन कॉस्ट में इंक्लूड होगा, हाँ तो ये हो जाएगा मेरा नोशनल कॉस्ट, ये हो जाएगा मेरा नोशनल कॉस्ट। तो अब समझ में आया
कि हाँ सर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होता है, नोशनल कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। नेक्स्ट लिखो पीरियड बेसिस। एक होता है फ्यूचर कॉस्ट और एक होता है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट को भी हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, फिर इसको भी कहते हैं पास्ट कॉस्ट। मान लो तुम आज हो, तुम आज खड़ा हो, आज सोच रहे हो मैं आगे को मुझे ये सब कॉस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब सामने मेरा एक कॉस्ट आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे फ्यूचर कॉस्ट। आज के दिन तुम बोलते हो कि ऑलरेडी मैं एक कॉस्ट इनकर कर चुका हूं, मतलब पिछले टाइम में हो चुका है, ये हो जाएगा तुम्हारा संक कॉस्ट, नहीं तो पास्ट कॉस्ट, नहीं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओके, अच्छा और एक बात ध्यान से सुनो, ये आज हमारा पहला क्लास था, सेकेंड क्लास का वॉल्यूम थोड़ा कम है, तो इसीलिए सेकेंड क्लास के लिए तुम यूज करोगे ईयरफोन। देखो जिस जो वीडियो में वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है तो उसके लिए तुम ईयरफोन यूज करोगे, वो इंटेंशनली मैं वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, तुम उसका लॉजिक क्या है मैं बाद में बताऊं। तो सेकंड क्लास में वॉल्यूम कम है तो इसीलिए सेकंड क्लास के लिए तुम ईयरफोन यूज करोगे। नेक्स्ट लिखो एलिमेंट वाइज। चलो डिटेल में हम जाते हैं। बोलो एलिमेंट के हिसाब से कॉस्ट थ्री टाइप, मटेरियल और लेबर कॉस्ट, फिर एक्सपेंसेस कॉस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट कॉस्ट कैन बी थ्री टाइप्स, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस कॉस्ट। तो पहले लिखो मटेरियल कॉस्ट क्या होता। देखो कॉस्ट क्या होता था, किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, किसी भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो टैंजिबल रिसोर्सेस, सॉरी जो रिसोर्सेस हम कंज्यूम करेंगे उसका मॉनेटरी वैल्यू को कॉस्ट बोलेंगे। किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, किसी भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो रिसोर्सेस हम कंज्यूम करेंगे उसका मॉनेटरी वैल्यू को हम कॉस्ट कहते हैं। अगर वो रिसोर्सेस टैंजिबल रिसोर्सेस हुआ, अगर वो रिसोर्सेस टैंजिबल रिसोर्सेस हुआ तो उसको मेटेरियल कॉस्ट कहते हैं। मतलब तो तुम देखोगे कि तुम जो रिसोर्सेस कंज्यूम कर रहे हो, क्या वो टैंजिबल या इनटैंजिबल। अगर वो टैंजिबल तो उसका मॉनेटरी वैल्यू मेटेरियल हो जाएगा, अगर वो इनटैंजिबल तो उसका मॉनेटरी वैल्यू या तो लेबर होगा नहीं तो एक्सपेंसेस होगा। इसमें क्या बात है, हाँ सर समझ में आया। मेटेरियल कॉस्ट मीन्स मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल टैंजिबल रिसोर्सेस कंज्यूम टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी टैंजिबल रिसोर्सेस हम कंज्यूम करेंगे, अच्छा
मेटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मेटेरियल कॉस्ट मींस मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल टैंजिबल रिसोर्सेज कंज्यूम टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड अ सर्विस। सर एग्जांपल दे दीजिए, एक फैक्ट्री जो प्रोड्यूस कर रहा है क्या पेन, एक फैक्ट्री जो पेन प्रोड्यूस कर रहा है, एक फैक्ट्री जो पेन प्रोड्यूस कर रहा है उधर टैंजिबल रिसोर्सेस कैन बी, तो मैं एक एग्जांपल दे दो, जो फैक्ट्री पेन प्रोड्यूस कर रहा है वहां टैंजिबल रिसोर्सेस क्या यूज होगा, वो फैक्ट्री में कुछ मशीन होगा। अच्छा पेन बनाने के लिए तुम्हें प्लास्टिक तो यूज करना पड़ेगा, फिर स्टील भी लगाना पड़ेगा, फिर इंक भी डालना पड़ेगा, फिर कॉटन यूज करना पड़ेगा, हाँ रबर यूज करना पड़ेगा, हाँ अगर पेन वुड का तो वुड में यूज करना पड़ेगा, हाँ ये सब तो हो गया मेटेरियल। फिर जो मशीन में तुम पेन बनाओगे उस मशीन को क्लीनिंग करने के लिए ग्रीस भी चाहिए, हाँ लुब्रिकेंट्स भी चाहिए, हाँ सैंड पेपर भी चाहिए, एक्सेट्रा। तो ये सब रिसोर्सेस टैंजिबल, तो इसका मॉनेटरी वैल्यू मेटेरियल, ये सब रिसोर्सेस टैंजिबल, इसका मॉनेटरी वैल्यू मेटेरियल। ठीक है, ओके समझ में आया कि डायरेक्ट मेटेरियल क्या होता है। तो ठीक है चलो एक काम करते हैं, आज हमारा पहला क्लास, तो इसीलिए बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स भी देना होगा मेरे तरफ से। आज के लिए इतना, इस वीडियो को मैं यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट मटेरियल से शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास है ना उसका थोड़ा सा साउंड कम आ रहा है, तो काइंडली नेक्स्ट क्लास देखने से पहले ईयरफोन को यूज करने के लिए मत भूलोगे। ठीक है, थैंक यू, टाटा बाय बाय।